Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dear students, this is distributed database system lecture and we are going to study Cartesian product. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस से पहले हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट. मैं अगले टॉपिक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं जो लोग नहीं आ सके. तो बेटे, आपको पता है कि आप लोगों ने ये बात की थी कि आपका डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक एम्प्लॉय ईएमपी का टेबल है और उसमें हमारे पास ई आई डी और ई नेम है. और सिमिलरली हमारे पास एक प्रोजेक्ट का टेबल है जिसमें प्रोजेक्ट आई डी, प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय आई डी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि 7 को कौन कौन से प्रोजेक्ट्स एलोकेट हुए, तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय के टेबल से नहीं बता सकता बल्कि उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट का टेबल भी है उसकी जरूरत पड़ेगी. तो एक्चुअली यहाँ पे जो E1 लिखा हुआ है, एक्चुअली E1 क्या चीज है? दिस इज एम्प्लॉय आई डी, जो कि एक्चुअली E1 इज अ एम्प्लॉय आई डी ऑफ मिस्टर 7. इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस का प्रोजेक्ट जो है वो 7 को एलोकेट हुआ है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का प्रोजेक्ट भी 7 को ही एलोकेट हुआ है. अब यहाँ पे हमारे पास एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम 7 है, पर डेटाबेस के मुताबिक यहाँ पे क्योंकि E2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि 7 को किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एलोकेट नहीं हुआ. ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड प्रोजेक्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय E1. अब अगर ये क्वेरी हमारे सामने आती है तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों टेबल्स में से किस टेबल में से जो है वो डेटा हम फेच कर सकते हैं. तो अगर हम एम्प्लॉय नेम की बात करते हैं तो एम्प्लॉय नेम तो एक्चुअली एम्प्लॉय के टेबल में पड़ा हुआ है. और अगर हम प्रोजेक्ट नेम की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट नेम जिस टेबल में है दैट इज प्रोजेक्ट टेबल. तो क्योंकि डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल से हमने फेच करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही जो है वो ऑप्शन बचती है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें. तो बेसिकली जो हमें क्वेरी स्टार्ट में लिखनी पड़ेगी वो कुछ इस तरह की होगी, एम्प्लॉय कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट. यहां पे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट हमारे सामने ये कर रही थी कि हमारा जो रिजल्ट है वो आना चाहिए था इस तरह से, एम्प्लॉयड सॉरी एम्प्लॉय नेम एंड प्रोजेक्ट नेम. तो जो पहला एम्प्लॉय है 7, उसको जो प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है दैट इज डेटाबेस, और 7 को ही एलोकेट हुआ है प्रोजेक्ट ऑफ PF. This is our desired result. और अगर आपने जो क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी के रिजल्ट में आपको पता है हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज आएंगी, एम्प्लॉय टेबल से 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं और प्रोजेक्ट के टेबल से भी 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होगी, 4 रिकॉर्ड्स. ठीक है, जो कि हमारे पास अगर हम उसको लिखे प्रॉपरली तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह सा होगा, एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड एम्प्लॉय आईडी. और अगर हम डेटा को लिखें E1, पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड के साथ कंकैट करके लिख दिया जाएगा, E1 7 E2 PF E1. सिमिलरली एम्प्लॉय 2 पहले टेबल का दूसरा रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के साथ कंकैट करके लिख दिया जाएगा. दिस इज द रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो हमारे पास ये रिजल्ट आया और हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट था वो बेसिकली ये था. तो हम देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट था वो हमारे पास नहीं आया. हाँ, अलबत्त अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जो डेटा हमारे सामने है उसमें हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं पे हिडन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस रिकॉर्ड की बात करते हैं, इस रिकॉर्ड का मतलब है कि 7 को डेटाबेस का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ, जो कि बिल्कुल ठीक है.
नेक्स्ट वो कह रही है कि 7 को एफ का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेक्स्ट दो रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे समन को डेटाबेस का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ विच इज नॉट इन डेटाबेस। तो एक्चुअल में डेटाबेस जो है वो कह रहा है कि समन को डेटाबेस का प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट वो रिजल्ट डिस्प्ले करवा रही है। इसका मतलब है ये दोनों रिजल्ट जो है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो अब अगर आप देख सकते हैं कि जहां पे एम्प्लॉय आईडी सेम है दोनों टेबल्स की वो रिकॉर्ड करेक्ट डेटा दिखा रहे हैं और जहां पे एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं है वो डेटा जो है वो इनकरेक्ट रिकॉर्ड है। इट मीन्स कि हमें इस रिकॉर्ड के ऊपर इस डेटा के ऊपर थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी अब हम क्या करते हैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेरी में चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करेंगे और जैसे कि हमने जब 7 के प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करना था तो हमने यहाँ पे इम्प्लॉय आईडीज को मैच किया कि अच्छा ये E1 क्योंकि 7 था तो इट मीन्स के 7 को डेटाबेस का प्रोजेक्ट मिला है। तो जब हमने यहाँ पे इम्प्लॉय आईडीज मैच की है तो फिर हम सिस्टम को भी बताएंगे ना कि आप इम्प्लॉय आईडीज मैच करो। तो विल सिंपली राइट इट लाइक दिस E डॉट ई आई डी इक्वल्स टू E डॉट ई आई डी। अब अगर हम इस क्वेरी का रिजल्ट लिखें तो बेसिकली क्या होगा कि जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे जहां पे एम्प्लॉय आईडीज क्या कर रही है मैच कर रही है। तो द न्यू रिजल्ट विल बी E1 7 P1 डेटाबेस E1 हैंड E1 7 P2 PF E1 दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। अब दो रोड्स तो आ गए पर क्वेरी में मेंशन था कि हमें सिर्फ नेम रिक्वायर्ड है तो नेम रिक्वायर्ड के लिए वी विल सिंपली पुट पाई ओवर द क्वेरी और यहां पे हम सिंपली पाई लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे ई नेम कॉमा पी नेम। तो इवेंचुअली हमारे पास जो रिकॉर्ड्स बच जाएंगे वो ये दो कॉलम बच जाएंगे और ये वही रिकॉर्ड है ये वही डेटा है Which was our desired result. अब हम जिस तरफ जा रहे हैं कि एक्चुअल डेटा को लाने के लिए हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज लिसन दिस विल वाज द स्टेप 1। उस डेटा के ऊपर फिर हमें सिग्मा अप्लाई करना पड़ा दिस इज स्टेप 2 एंड इवेंचुअली फिर हमें पाई अप्लाई करना दिस वाज स्टेप 3 और 3 स्टेप्स में हमारे पास एक्चुअली जो है वो रिजल्ट जनरेट हुआ। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे उतनी जो है क्वेरी का प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एंड करते हैं एंड नाउ वी मूव टुवर्ड द मेन टॉपिक जो कि हमने बेसिकली डिस्कस करना था। द न्यू टॉपिक इज बेसिकली नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा इज जॉइन। जॉइन बेसिकली इसका जो सिंबल है दैट इज जस्ट लाइक योर विजुअल स्टूडियो सिंबल। अच्छा जी जॉइन जो है वो बेटे बिल्कुल सेम टू सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह अप्लाई होता है बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। और वो सेम पैटर्न क्या है कि एक टेबल का पहला रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ उनको क्या करता है कंबाइन कर देता है फिर एक टेबल का दूसरा रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ कंबाइन कर देता है। पर यहां पे थोड़ी सी चेंज है कि बेटे जॉइन का एक रूल है कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी रूल था अगर आपको याद हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल ये था कि देयर वाज नो रूल एग्जैक्टली हर दो तरह के दो किसी भी तरह के टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल होता है पर जॉइन का यहां पे एक रूल है और वो रूल ये कहता है कि जॉइन मस्ट हैव कंडीशन विदाउट कंडीशन कभी भी दो टेबल्स का ज्वाइन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी बाकी एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है फर्क सिर्फ यह है कि दो टेबल्स का ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन में कंडीशन होना जो है वो मस्ट है और उस कंडीशन जो है उसकी भी एक कंडीशन है कि कंडीशन
मस्ट हैव कॉलम्स इन इट, जैसा कि आपने लेक्चर में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंडीशन है वेयर एज इज इक्वल टू 25। अब बेटे ये जो कंडीशन है इसमें आप देखो कि ऑपरेटर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉलम है और राइट हैंड साइड पे इज अ वैल्यू। जॉइन की कंडीशन ये कह रही है कि सॉरी बेटे आप जॉइन थोड़ी देर बाद आइएगा, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह मैं भी आता हूँ ना, आप जाए, मैं वो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मोबाइल पे, ठीक है, जाए। जॉइन की कंडीशन ये कहती है कि इट मस्ट बी लाइक दिस, लेट से एस डॉट एज इक्वल्स टू पी डॉट एज। अब ये वाली जो कंडीशन है इसमें आप नोट करें कि बेटे दोनों साइड्स पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉलम्स है, तो जॉइन में इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए जिसमें दोनों साइड्स पे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल से जॉइन करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ जॉइन, इफ आई राइट लाइक दिस एम्प्लॉय जॉइन प्रोजेक्ट। अब हमने क्योंकि कहा था कि जॉइन जो है वो उसमें कंडीशन का होना मस्ट है और वो कंडीशन जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स एग्जिस्ट करेंगे, तो यहां पे हमारे पास जो जॉइन की कंडीशन होगी वो हमेशा इस जॉइन ऑपरेटर के सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब हमने इन दोनों टेबल्स को जॉइन करना है तो इन दोनों टेबल्स के दरमियान में जो कॉमन कॉलम है जिसकी बेस पे ये दोनों लिंक हो रहे हैं वो बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो यहां पे जो हम कंडीशन लगाएंगे वो जॉइन की सबस्क्रिप्ट में, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ई डॉट ई आई डी इक्वल्स टू ई डॉट ई आई डी, ठीक है। और अगेन अगर आपने कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं तो कॉलम बेसिकली क्या हो जाएंगे, पाए, इट्स योर चॉइस कि आप कौन से कॉलम जो है उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, दिस इज जॉइन। इसी क्वेरी को अगर हम रिलेशनल कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं तो यही वही क्वेरी है जो थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व की थी, एम्प्लॉय कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एंड देन। अब यहां पे देखिए हमें सिग्मा अप्लाई करना पड़ रहा है, ई डॉट ई आई डी इक्वल टू पी डॉट ई आई डी एंड देन इट इज जस्ट लाइक दिस S name, comma, P name. ये दोनों queries exact same है, बिल्कुल same है। फर्क सिर्फ ये है कि ये above query दो steps में हो रही है और Cartesian product जो है वो तीन steps में हो रही है। Simple, common sense कि जितने number of steps कम होंगे उतनी जो है वो query का execution time क्या होगा, कम होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन जॉइंट्स एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर नाउ, ठीक है। बाकी अप्लाई करने का तरीका एग्जैक्ट सेम है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई होता है एग्जैक्ट उसी रूल के तहत जो है वो जॉइंट भी अप्लाई होगा। फर्क सिर्फ ये है कि जॉइंट में कंडीशन लाजमी होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्योंकि सिग्मा होता है तो इट्स योर चॉइस कि आप कंडीशन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस बिल्कुल दोनों का सेम टू सेम है, आई होप कि आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर लोगे। Now coming towards the next step, join के कुछ types हैं। तो हम join के types का जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि आपने lecture में भी देखा है। तो हमारे पास जो join की types हैं, first one is theta join, then we have equi join, then we have natural join. And we have semi-join and last we have left join को left outer join भी कहा जाता है और left join भी कहा जाता है। The important thing is यहाँ पे जो आपने note करनी है बेटे कि ये वाले चार जो है वो बिल्कुल same to same है, मतलब इनका जो procedure है apply करने का वो बिल्कुल same है, सिर्फ जो है वो दिखने में फर्क है, थोड़ा सा हल्का हल्का minor सा change है और जो application का तरीका है वो बिल्कुल सारों का same है। Let's say कि यहां पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूं, लेट्स आई हैव अ क्वेरी एम्प्लॉय
ज्वाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। और बाद में बाद हम जिसको फॉलो कर रहे होंगे उसके नीचे मैं एक अंडरलाइन लगाता जाऊंगा कि फिलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। थीटा ज्वाइन सिंपली ये कहता है कि भाई ज्वाइन की कोई ना कोई कंडीशन तो होगी हमारे पास। अब कंडीशन में लेट्स से हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज ई डॉट ई आई डी एंड पी डॉट ई आई डी। अब दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनल ऑपरेटर हो जाएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो थीटा ज्वाइन ये कहता है कि अगर ये जो ऑपरेटर है ये इक्वल्स टू के अलावा कोई भी है, लेट्स ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड वी हैव नॉट इक्वल्स टू, अगर इनमें से कोई ऑपरेटर यहां पे होगा तो यही ज्वाइन क्या कहलाएगा, थीटा ज्वाइन। सिंपली इट्स जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर ओवर हियर। अगर यहां पे इक्वल्स टू के अलावा कोई भी ऑपरेटर है तो यही ज्वाइन क्या कहलाएगा, थीटा ज्वाइन, सिर्फ नाम का फर्क है। कमिंग टू द नेक्स्ट ज्वाइन टाइप दैट इज पीक्यू ज्वाइन। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि अच्छा इसका मतलब है इक्वल्स टू का साइन बात किया था, तो अगर यहां पे इक्वल्स टू का साइन आएगा तो यही ज्वाइन क्या कहलाएगा, इक्वी ज्वाइन कहलाएगा। वेरी सिंपल। अच्छा नेक्स्ट नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन ये कहता है कि आप के ज्वाइन की कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे एग्जैक्ट सेम जैसे यहां पे पाई मेंशन नहीं है। आपको याद होगा हमने बात की थी कि पाई लिखना जरूरी नहीं है, कि अगर पाई मत नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यह था कि पाई जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं था कि पाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब यह था कि हम अपनी आसानी के लिए पाई को स्किप कर रहे हैं। इट मींस पाई इज ऑलवेज स्टैटिक। इसी तरह क्योंकि जहां पे ज्वाइन का सिंबल है तो हमने कहा था ज्वाइन की कंडीशन लाजमी होती है, हम मेंशन नहीं करेंगे कि हमारी मर्जी है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ज्वाइन की कंडीशन मेंशन नहीं कर रहे, इसका यह मतलब नहीं है नहीं। अब यहां पे कंडीशन किस बेस पे बनेगी, ये कंडीशन बनेगी सिमिलर कॉलम की बेस पे, सिमिलर नेम कॉलम्स विद इक्वल्स टू साइन। तो एक्चुअली दिस इज नेचुरल ज्वाइन। अगर मैं इसको इक्वी ज्वाइन के ऊपर लिखूंगा तो इन दोनों टेबल्स में ऐसा कौन सा कॉलम है जो सेम नाम के साथ है, नजर आ रहा है दैट इज ई आई डी। तो एक्चुअली नेचुरल ज्वाइन क्या कहेगा, इट इज जस्ट सिमिलर टू ज्वाइन प्रोजेक्ट एंड ई डॉट ई आई डी इक्वल्स टू पी डॉट ई आई डी, ठीक है। तो सिर्फ लिखने का फर्क है कि इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि कॉलम का नाम एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सेम है। अगर एक से ज्यादा कॉलम है तो देयर वुड बी एंड बिटवीन द कॉलम्स, ठीक है। तो सिर्फ लिखने का फर्क बैठे और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो फर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेमी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन का सिंबल थोड़ा डिफरेंट है, इट इज जस्ट लाइक टिल्टेड डेल्टा ऑपरेटर लाइक दिस। सेमी ज्वाइन क्या कह रहा है वो भी हम आपको दिखा बताते हैं, लेट्स से। अच्छा यहाँ पे एक और बात कि हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ज्वाइन की कंडीशन में सिर्फ एक कॉलम लिखेंगे। अगेन जैसे हम पाई नहीं लिखते इसी तरह हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जितनी चीजें हम स्किप कर सकते हैं उतनी हम स्किप करें। कीपिंग इन माइंड कभी भी सीक्वल में आप इस तरह कंडीशन नहीं लिखते। कंडीशन के तीन पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देन वी हैव एन ऑपरेटर इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन लेस देन इक्वल्स टू एंड देन वी हैव अ राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं age greater than 25, age equals to 8 and number of the left hand side operator right hand side, ठीक है। ये तो कोई कंडीशन ना हुई, अगेन इसका मतलब एग्जैक्ट यही है, दिस इज इक्वलेंट टू ई डॉट ई आई डी इक्वल्स टू ई डॉट ई आई डी। मतलब ये कि इन दोनों टेबल्स में एक कॉलम है और उस कॉलम का नाम क्या है, EID, और उस कॉलम पे इक्वल्स टू के ऊपर क्या करते हैं आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो ये वाली कंडीशन आप यहां इक्वी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, थ्री में भी, सेमी में भी अप्लाई कर सकते हैं और लेफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या है सेमी ज्वाइन का, तो पहले मैं इसकी इक्विवेलेंट क्वेरी लिखता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। पहली बात, दिस इज इक्विवेलेंट टू एम्प्लॉय इक्वी ज्वाइन व्हाटएवर द कंडीशन इज। अब क्योंकि यहां पे
इक्वल्स टू पे कंडीशन लगी हुई है तो यहां पे हम वही कंडीशन लिख देते हैं एंड वी हैव राइट हैंड साइड, ये चीज बन गई। बट सेमी जॉइन ये कहता है कि आपने जो कॉलम डिस्प्ले कर दिए ना आफ्टर जॉइन ऑपरेशन वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल के होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेमी जॉइन एंड अदर जॉइन। ठीक है, अगेन पहले आप नॉर्मल जॉइन करेंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद कॉलम्स कौन से डिस्प्ले करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल के। ठीक है, राइट टेबल के कॉलम सेमी जॉइन में कभी भी डिस्प्ले नहीं होते। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये टेबल आएगा। ठीक है, अभी हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो अगेन इसके दो स्टेप है सेमी जॉइन के। पहला स्टेप कि आप दोनों को ज्वाइन करें, नॉर्मल जॉइन में पाई क्या होता है स्टैटिक होता है, सेमी जॉइन में पाई क्या होगा लेफ्ट डॉट स्टैटिक। सिर्फ लेफ्ट टेबल पहले ज्वाइन करें, उस जॉइंट में सिर्फ कौन से कॉलम्स दिखाएंगे आप, लेफ्ट टेबल के कॉलम्स दिखाएंगे, राइट टेबल के कॉलम्स नहीं दिखाएंगे। तो अगर आप इसको अप्लाई करें, ठीक है, तो भी हम इसका रिजल्ट लिखते हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा। तो पहले हम जॉइंट का रिजल्ट लिखते हैं। जॉइंट का रिजल्ट आएगा हमारे पास इस तरह से इवन सात। अब ये वाला इवन काफी मैच हो रहा है, सबसे पहले इसके साथ मैच होगा, कंडीशन भी हम लगा रहे हैं इवन डेटाबेस इवन। अब पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड दूसरे टेबल के दूसरे रिकॉर्ड से ये भी इवन है और ये भी इवन है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगी है इवन सात इवन पीएफ एंड इवन। अब पहले टेबल का दूसरा रिकॉर्ड, अब ये वाला ई टू कहां मैच कर रहा है, देखिए ये दोनों रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ई टू बिल्कुल ही लिखा जाएगा क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास नॉर्मल ज्वाइंट का। सेमी जॉइन ये कहता है कि भाई आपने सिर्फ लेफ्ट टेबल के कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं, तो लेफ्ट टेबल के कॉलम में अल्टीमेटली हमारे पास जो डेटा आएगा दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, तो राइट टेबल के कॉलम यहां से क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। अब आपने देखा कि बेटे जो एम्प्लॉय का टेबल था उसमें तो समझ का रिकॉर्ड भी था पर उसने पहले ज्वाइन किया, वो जो ज्वाइन का रिजल्ट था उसमें सिर्फ लेफ्ट टेबल के कॉलम दिखाए राइट टेबल के कॉलम्स नहीं दिखाए। ठीक है, सिर्फ वो कॉलम को स्पेसिफाई करता है, दिस इज सेमी जॉइन। लास्ट एंड द वेरी डिफरेंट ऑफ ऑल लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन जो है वो इन सारे जॉइन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और इसका सिंबल जो है वो इट इज लाइक दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट नॉर्मल जॉइन, जैसे आप नॉर्मल जॉइन करते हैं उस तरह से वो जॉइन करेगा। दूसरा पार्ट डिस्प्ले लेफ्ट ओवर रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल। ठीक है जी, ये दो पार्ट्स हैं, अब उनको अप्लाई करते हैं ताकि आप जो इसको अंडरस्टैंड कर सके। बेसिकली बेटे अगर हम यहां पे ऐसे करें एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन प्रोजेक्ट, अब यहां पे क्यों हमने सिग्मा नहीं लगाया पाई नहीं लगाया, इसका मतलब है दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड आएंगे। तो पहला प्रोसेस क्या जी, नॉर्मल जॉइन, एक नॉर्मल जॉइन, अब सॉरी यहां पे हम कंडीशन लिख देते हैं EID, इसका मतलब है E dot EID equals to P dot EID। अब अगर हम इसका रिजल्ट लिखे तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा इवन सात इवन डेटाबेस इवन अगेन इवन सात पी टू पी एफ इवन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल जॉइन। अब पार्ट टू में वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि लेफ्ट टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं रहा जो जॉइन का हिस्सा नहीं बना, क्या हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है इनमें से जो जॉइन में नहीं आया, बिल्कुल है। अब देखिए समझ वाला रिकॉर्ड जो है वो जॉइन में पार्टिसिपेट नहीं किया उसने, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका आईडी किसी भी आईडी के साथ मैच नहीं था हो रहा। इसका मतलब है लेफ्ट जॉइन क्या करेगा कि ऐसे सारे रिकॉर्ड जो जॉइन में पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया उनको भी लिखेगा, तो इसका मतलब यहां पे समन का रिकॉर्ड भी आएगा ई टू समन। पर क्योंकि समन वाला रिकॉर्ड वहां पे किसी भी रिकॉर्ड से मैच नहीं किया तो प्रोजेक्ट के कॉलम में वो यहां पे क्या लिख देगा, नल लिख देगा।
null, null, and null. This is the result of left join. ठीक है, तो left join दो काम करता है, पहले normal join करेगा, उसका result लिखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि ऐसे record जो left table में बच जाएंगे, left table में, अगर मैं project यहाँ पे लिखता तो project के left table देखता, left over records देखता. अब यहाँ पे employee ने एक record बच गया था जो कि यहाँ पे नहीं था आया, इसलिए उसने उस record को भी लिखा और दूसरे टेबल पे वहां पे उसने null लिख दिया. इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, सात को डेटाबेस का प्रोजेक्ट मिला है, सात को पीएफ का प्रोजेक्ट मिला है और सेवन को किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द जॉइंट. थैंक यू सो मच.